बच्चा सारी सिचुएशंस को समझता है, एक गधा बच्चा सिचुएशंस के हिसाब से बहता है। जो अच्छी रैंक होल्डर्स होते हैं आपको भी पता है उनकी तैयारी बहुत पहले की होती है और वो समय वेस्ट नहीं करते। उन्हें एक तो तैयारी भी पहले स्टार्ट करी आपसे और समय भी वेस्ट नहीं करते। आप समय भी पूरा वेस्ट करते हो, लेट भी स्टार्ट कर रहे हो। मुझे नहीं पता कितने बच्चे मेरी तरह सोचते हैं, ठीक है। आप सभी की अलग अलग स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, ठीक है। आपको एक बच्चा कह रहा था स्ट्रेटजी बता दो, स्ट्रेटजी बता दो। मेरी स्ट्रेटजी से ज्यादा तुम 10 दिन काम करोगे, उसके बाद तुम काम नहीं करोगे, वो स्ट्रेटजी तुम्हारे लिए फेल कर जाएगी। टॉपर की स्ट्रेटजी तुम्हारे लिए नहीं है क्योंकि तुम टॉपर नहीं बन पा रहे हो। अगर आपके पास एक एम है पढ़ना और इच्छा है कि पढ़ना है, तो स्ट्रेटजी क्या होता है? चुपचाप पढ़ाई करिए। स्मार्ट स्टडी कह सकता हूं, स्ट्रेटजी कुछ नहीं होती, स्मार्ट स्टडी होती है। आप ये एनालाइज करिए कि क्या पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप खुद से डिसाइड करिए ना। मेरे को नहीं पता 12 घंटे सफिशिएंट है या नहीं। हो सकता है आप इतने बड़े गधे हो कि आपके लिए 24 घंटे कम पढ़ रहे हो, और हो सकता है आप इतने स्मार्ट हो कि आपके लिए 4 घंटे सफिशिएंट हो। आज भी वही मौका है, मैं कहता हूं हर मोमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आज भी वही दिन है, 4 महीने बाद आप रिग्रेट करोगे अगर आपने कलम रख दी नीचे। गधे वाली हरकत नहीं, चुपचाप उठाओ कलम और पढ़ो। जब तक आपको खुद से सेटिस्फाई नहीं हो जाते कि हाँ यार मेरी मेहनत मेरे पोटेंशियल के बराबर पहुंच रही है, तब तक आप कलम रगड़िए। और अगर आपका फ्यूचर नहीं है, अगर आप जानते हैं कि मेरे को पढ़ाई नहीं करनी, तो आप क्यों घिस रहे हैं अपने आप को? जिनको रैंक चाहिए, जिनको आगे बढ़ना है, इसी रास्ते में बढ़ना है, उसका एक ही रास्ता है, घिसो अपने आप को। अपने आप को यह मत कहो कि एक और रास्ता है भैया, ठीक है, घिसना पड़ेगा। हमने घिसा है, पीछे वालों ने घिसा था, आपको भी घिसना पड़ेगा। ये कॉम्पिटिशन ही उसी चीज का है बेटा। एक मैच्योर बंदा सारी सिचुएशंस को समझता है, एक गधा बच्चा सिचुएशंस के हिसाब से बहता है। आप समझिए ना, सिचुएशन क्या है, क्या डिमांड कर रहा है? फाइट मारना डिमांड कर रहा है या इमोशनल होकर रोना डिमांड कर रहा है?